Hello, my dear students. Today's date 18/5/2020. Subject English Grammar, Class 1, Book The Grammar Right Book, Chapter 1, Revision. हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आपका अल्फाबेट्स के ऊपर, राइट? हम लोग पढ़े थे हाउ टू अरेंज अल्फाबेट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हम लोग कैसे अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. उसके बाद हम पढ़े थे वॉवल्स के बारे में. वॉवल्स क्या क्या है? A, E, I, O, U, ये सब है आपका वॉवल्स. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ रिवीजन का एक्सरसाइज करेंगे. हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, आप उसको घर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. हम चाहते हैं सबसे पहले आप एक्सरसाइज करने के पहले आप अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से पढ़िएगा और जो वॉवल्स का जो पेज है उसको भी. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, हमने अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन एन इंग्लिश लेटर 26 अल्फ़ाबेट्स. हमने अल्फ़ाबेट्स दिए 26. कितना अल्फ़ाबेट्स है? 26 अल्फ़ाबेट्स है. वो सब क्या क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. ये सब क्या है आपका? ये सब आपका अल्फ़ाबेट्स है, राइट? तो इसी को हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं इसके ऊपर. और आपको तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता ही होगा. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या? जो आपका ए बी सी डी ई एफ, ये जो सीरीज़ है, राइट, लेटर्स का जो सीरीज़ है, इस प्रकार का अगर आपका लेटर्स है तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. जैसे आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है आपका? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, राइट? पर आपका जैसा ए डी बी सी ए ई, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है. जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में रहता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, और एक बात हम आपको बोल रहे हैं, जो वॉवल्स हैं, आप वॉवल्स भी पढ़ेंगे क्योंकि वॉवल्स का कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. तो वॉवल्स क्या है? वॉवल्स है ए ई आई ओ यू. ये जो वर्ड है ए ई आई ओ यू, ये कितना है? ये 5 वर्ड्स है. देयर आर 5 वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने 5, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स क्यों हैं? क्योंकि इसी से काफ़ी सारा वर्ड्स आपका वॉवल्स के द्वारा ही बनता है. ओके, इसलिए आपको वॉवल्स क्या है बहुत ज़रूरी है. जैसे देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ये इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 चैप्टर 1, या इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 चैप्टर 1 द अल्फ़ाबेट रिवीजन. ये कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं. प्लीज़ आप घर में इसको, ये जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट, इसको पढ़ के और जो नाउन जो वॉवल्स का जो पेज है उसको आप पढ़ के समझ के अभी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, नंबर 1, राइट द मिसिंग लेटर्स. यहाँ पे बोला गया है कि आपको मिसिंग लेटर्स लिखना है, राइट? यहाँ पे देखिए, जैसा ए डैश सी डैश डैश एफ जी डैश आई, यहाँ पे कुछ कुछ लेटर्स क्या है? नहीं है. तो आपको ये मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, ये वाला नंबर 2 में है, सर्कल द लेटर दैट कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन है. और नंबर ए में हम बता रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट लेटर आता है उसको आपको सर्कल करना है. जैसे देखिए नंबर ए, तो जैसे लेमन गुआवा एप्पल पीच. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेमन, एल से लेमन होता है, जी से गुआवा, ए से एप्पल, पी से पीच. तो आपको सबसे पहले इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वे में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा है? ए, एप्पल, राइट? तो इसे क्या होता है? एप्पल होता है. तो आपको एप्पल को सर्कल करना है. ठीक है, तो आप समझ गए इसको किस प्रकार से करना है. ठीक है, नंबर 3 में आते हैं, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपको जो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए 1 to 6, इसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. जैसे हम आपको 1 हम बता दे रहे हैं आपके लिए. यहाँ पे बोला जैसे हम लोग को पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ. तो जो लेटर्स आपके इस प्रकार से जाता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो यहाँ पे जैसे देखिए नंबर 1 में, यहाँ पे जैसे क्या क्या वर्ड्स है, कैट बैट रैट फैट. तो आपको इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी वर्ड्स है उसका सबसे पहले वाला लेटर देखिए. जैसे 1 का कैट का क्या है? सी. बैट का बी. रैट का आर. फैट का एफ. तो यहाँ पे देखिए जो लेटर्स है सी बी आर एफ, इसे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, आपको इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. उसका मतलब हुआ सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? यहाँ से ए से कोई लेटर है? नहीं है. बी से? हाँ, बैट. तो सबसे पहले बैट लिखना है.
उसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी, तो यहाँ सी से कोई लेटर है, सी, हाँ कैट। उसके सी के बाद कोई डी वर्ड है, नहीं, ई है क्या, नहीं, एफ, हाँ एफ फैट है, तो एफ ए टी फैट। उसके बाद बचा रैट, तो आप उसको रैट को ले सकते हो। तो अब इसको कैसे करके अरेंज किया, सबसे पहले बैट, उसके बाद कैट, आफ्टर दैट फैट, उसके बाद रैट। तो देखिए आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया कि नहीं किया, क्योंकि आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो लेटर्स का जो पोजीशन है, जो जैसे ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसी प्रकार से आपको इसको इसमें भी आपको लेटर्स जो फर्स्ट लेटर्स है उसको आपको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझ गए ये, ओके। नंबर थ्री का आप ये समझ गए। नंबर फोर, राइट द करेक्ट वाउल साउंड टू कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट वाउल साउंड लगाना है। करेक्ट वाउल साउंड क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें आपको देखिए ए ई आई ओ यू लगा के आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे वन का हम बता रहे, वन डैश पी पी एल ई, तो ये क्या होगा आपका एप्पल, तो आपको यहाँ पे ए ए लिखना है, ए पी पी एल ई एप्पल। इसी प्रकार से आपको ये सबको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको फोर क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज़ आप घर में ये जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट, उसको आप घर में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और जो भावल्स का जो पेज है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, उसका ये सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। गॉट इट, तो आज के लिए बस इतना ही, हम चाहते हैं बस आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर उस प्रकार से हम आपको पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।